नमस्कार और स्वागत है भारतीय योजना में। नाउ यहाँ पे आप बिल्कुल ही अभी न्यूज़ आया हुआ है, उसमें आप देखे होंगे कि ताइवान के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली ये कह दिया कि बिल्कुल चाइना को, कम्युनिस्ट चाइना को वॉर डिक्लेयर कर देना चाहिए रसिया पर। और इधर आप देख पाओगे क्योंकि यहाँ पर यह है ताइवान, जो छोटा सा चाइना के बगल में आपको दिख रहा होगा, और यह है चाइना। ताइवान आपको पता होगा चाइना के टारगेट पे है। चाइना के सी जिनपिंग ने लिटरली कहा है कि ताइवान जो इनके हिसाब से इनके इनकी हिस्सा है, इनको चाइना में मर्ज किया जाना चाहिए। नौ ताइवान के हाल ही में जो प्रेसिडेंट बने हैं लाई शती, इन्होंने चाइनीज़ सरकार को ओपनली ये कह दिया कि देखिए ताइवान तो फिर भी एक छोटा सा टापू है ना, आपको अगर असल में अखंड चाइना बनाना है, जो चाइना की खोई हुई टेरिटरी है उसे वापस लेना है, तो जो हिस्टोरिकल लैंड्स है 19 सेंचुरी में चाइना ने गवा दिए थे रसिया के हाथों, वो एरिया हम लोग वापस क्यों नहीं लेते हैं? यह पहली बार है जब ताइवान के प्रेसिडेंट ने ओपनली बात बोली है कि टेक बैक लैंड फ्रॉम रसिया फास्ट। और मुझे पता है यहाँ पे आपका सबसे बड़ा सवाल ये आएगा, मगर हिस्टोरिकल वो कौन सा लैंड है जो चाइना के लोग, ताइवान के लोग दोनों ही मानते हैं कि रसिया ने कब्जा रखा है चाइनीज़ लोगों का, और उसे एक ना एक दिन तो वापस लेना ही होगा। नाउ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं व्लादिवोस्तोक रीजन की। चाइना का यह मानना है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चाइनीज़ लोग की मान्यता है। नाउ चाइना के लोग ना, देखो ताइवान भी खुद को चाइना कहता है, ताइवान की सरकार कहती है ये असल चाइना है, ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा होना चाहिए जो व्लादिवोस्तोक का जो एरिया है, रिपब्लिक ऑफ चाइनीज़। ऑब्वियस कम्युनिस्ट चाइना कहता है कि ये लोग हैं असली चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो दोनों चाइनीज़ लोग हैं। और इन दोनों का मानना ये है कि 140 साल पहले रसिया ने छल कपट करके एक बहुत ही बड़ा हिस्सा कब्जा लिया था। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं व्लादिवोस्तोक रीजन की, तो आप मैप में भी देख सकते हैं कि बीजिंग का जो शहर है चाइना का, उसके ऊपर ही आपको व्लादिवोस्तोक रीजन मिल जाएगा। उसके बाद एक बड़ा सा हिस्सा जो है, हजारों किलोमीटर का हिस्सा, जहाँ पर व्लादिवोस्तोक शहर भी आता है, कई इम्पॉर्टेंट शहर आते हैं यहाँ पर चाइना के लोग मानते हैं कि हिस्टोरिकल चाइनीज़ सेंटिमेंटल थी, चाइनीज़ लोग हजारों सालों से यहाँ पर रहा करते थे। ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछे, कई हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स में पता चला है कि बिल्कुल यहाँ पे चाइनीज़ प्रेजेंस थी ना। वो चाइनीज़ प्रेजेंस क्या ट्रेड के जरिए थी, या कि चाइना के जो ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, वो यहाँ पर जाते थे, उनका कई जो पुराना सामान है यहाँ पर दफन हो रखा है, या फिर जेन्युइनली एक बार को चाइना के लोग यहाँ पे गांव बसा के रहते थे, इसको लेकर डिस्प्यूट है। क्योंकि चाइना के हिसाब से रसियंस ने ये कहा था, रसियंस ने ये किया था, आज से 140 साल पहले जब चाइना कमज़ोर था, जब चाइना आपस में बटा हुआ था, तब रसियंस ने एक पूरा बड़ा सा हिस्सा कब्जा लिया था। जो भी चाइनीज़ एथनीसिटी के लोग थे उनको मार डाला, उनको धमका के भगा दिया, और ये पूरा हिस्सा व्लादिवोस्तोक का ये रसिया ने कब्जा लिया था। इस बात को लेकर देखिए चाइना में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है, इनकी गवर्नमेंट चाहे ऑफिशियल इस बात को लेकर चुप रहे, मगर चाइनीज़ नागरिक हैं वो इस बात को लेकर बिल्कुल अवेयर हैं कि हाँ बिल्कुल ये जो हिस्सा है हिस्टोरिकल चाइना का वो बिलोंग करता है, एक ना एक दिन तो इनको वापस लेना ही है। क्योंकि अगर आप चाइनीज़ हिस्टोरियंस की बात सुनोगे ना, वो तो खुल के कहते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे फॉर्ब्स का आर्टिकल दिखा रहा हूँ, चाइनीज़ ट्रेडर्स हिस्टोरियंस, इनके यहाँ आम बात है कि रसियंस के पास एक बहुत बड़ा कारण है डरने का, क्योंकि हम चाइनीज़ हम किसी से डरते नहीं हैं। उन्होंने आगे ये भी कह दिया, फार ईस्ट रीजन रसिया कॉलोनी, और इधर आप देख पाओगे कई चाइनीज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि बिल्कुल एक चाइनीज़ टेरिटरी है और रसिया इसे वापस देना नहीं चाहता ना। व्लादिमीर पुतिन के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि वो बहुत क्लेवर पॉलिटिशियन है, एक ग्रेट लीडर है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊँगा। वेस्टर्न मीडिया ने हाल ही में इस बात को लेकर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए थे, इधर आप देख पाओगे टेलीग्राफ का आर्टिकल है, यहाँ पे एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि
इससे बढ़िया समय 2024 में जो रसिया आज के समय फंस चुका है यूक्रेन वॉर में, इससे बढ़िया टाइम चाइना को नहीं मिलेगा अपना हिस्सा वापस लेने का, व्लादिवोस्तोक को वापस लेने का। कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ओपनली ये भी कह रहे हैं कि रसिया की सारी आर्मी आज के समय डिप्लॉयड है यूक्रेन में अगेंस्ट व्लादिवोस्तोक में। लिटरली मजाक के रूप में ये कह रहे हैं कि एक गार्ड होगा और उसका एक कुत्ता बैठा होगा, चाइनीज़ मिलिट्री चाहे तो आराम से व्लादिवोस्तोक का बड़ा सा हिस्सा कब्जा सकती है और रसिया रिटेलिएट में कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? देखिए, रसिया काफ़ी हद तक एक एक्सपोज हो चुका रहा। जो क्रूक्स रीजन है रसिया का, इसका बहुत ही बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा पार्ट यूक्रेन ने कब्जा लिया। लिटरली रसिया की धरती कब्जा ली गई। क्या रसिया ने कुछ किया अभी तक? क्या न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए? हाँ बिल्कुल, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये चेंज करने की बात कर रहे हैं, अभी भी धमकियाँ दे रहे हैं। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए न्यूक्लियर सेवर रेटलिंग हो रही है। बस वेस्ट को बताया जा रहा है कि हम कर देंगे, हम टेस्ट, हमारे टेस्ट मत लीजिए, हमको, हमें टेस्ट मत करिए। तो क्लियरली रशियन गवर्नमेंट अभी भी एम्प्रिहेंसिव है कि इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि रसिया, देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स तभी यूज़ करेगा जब मॉस्को तक खतरा पहुंच जाएगा। व्लादिवोस्तोक तो मॉस्को से बहुत दूर है, तो अगर चाइना यह हिस्सा कब्जा भी लेता है तो रसिया क्या कर लेगा? रसिया ऑलरेडी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस यूएसए के साथ, यूरोप के साथ, बाकी कई कंट्रीज़ के साथ ख़राब करके बैठा है। चाइना के साथ अगर मान लो कि हाइपोथेटिकल स्पीकिंग कि अगर चाइना ने रसिया का व्लादिवोस्तोक कब्जा लिया तो पुतिन क्या कर लेंगे? चाइना पे वॉर डिक्लेयर करेंगे, दैट विल बी द एंड ऑफ रशियन फेडरेशन। तो इसलिए वेस्ट में भी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल थिंकर्स कह रहे हैं कि ये इस वक्त चाइना के लिए परफेक्ट टाइम है रसिया पे अटैक करना, आक्रमण करना, अपना जो हिस्टोरिकल हिस्सा है ये वापस ले लो। नाउ ऑब्वियस ये बात मैं बोल रहा हूँ, ये टेलीग्राफ वाले भाई साहब बोल रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन तो पता होगा इस सब के बारे में, और जो मैं यहाँ पे तारीफ़ कर रहा था उनकी, तो व्लादिमीर पुतिन किंग लीडर हैं। तो इसका रीज़न सिंपल ये है, पुतिन ने 2023 में ही, अभी यूक्रेन वॉर को 2.5 साल हो गए हैं ना, 2023 में ही पुतिन ने समझ लिया था कि रशियन आर्मी फंस चुकी है यूक्रेन में, यहाँ पर इस वॉर को ख़त्म करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसी बीच चाइना को शांत करने के लिए हमें काम करते हैं। चाइना को मेन देखिए व्लादिवोस्तोक चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह बहुत इम्पॉर्टेंट है व्लादिवोस्तोक का। तो रसिया ने सिंपली ये, चाइना आपके लिए व्लादिवोस्तोक पोर्ट ओपन है, यहाँ यूज़ करिए, जो व्लादिवोस्तोक पोर्ट है आपको ट्रांसपोर्टेशन करनी है, गुड्स की कुछ आपको अपने लिए लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल करना है, ऑपरेट करना है। आफ्टर 163 ईयर्स रसिया ने व्लादिवोस्तोक पोर्ट चाइना के लिए ओपन कर दिया है, ताकि चाइना के पास रीज़न कम हो, सी जिनपिंग अपने लोगों को ये कह सकता है। अगर मान लो चाइना के लोग कहते हैं सी जिनपिंग को कि सी जिनपिंग चलिए अटैक करते हैं व्लादिवोस्तोक को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सी जिनपिंग भी कहते हैं, देखिए जो मेन पोर्ट है वहाँ का, उसका एक्सेस पुतिन ने हमें दे दिया है, क्या जेलेंस्की, क्या जेन्युइनली हमें अटैक करने की आवश्यकता है? तो इसे कहते हैं ब्रिलियंट जियोपॉलिटिकल मूव। हालांकि मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि गारंटी नहीं है कि चाइना रसिया पर अटैक नहीं करेगा, और अगर यहाँ पर आप सोच रहे हो चाइना रसिया पर अटैक करेगा, मगर दोनों लीडर्स तो मिलकर यूक्रेन गले मिलते हैं और दोनों वादे करते हैं दोस्ती के लिए। दोस्ती, देखिए सब कुछ जियोपॉलिटिकल में यूँ बदलता है। दुनिया में एक बहुत ही ज़्यादा क्रूर नियम है कि कमज़ोर होने पर, रसिया आज के समय कमज़ोर हो चुका है। यूक्रेन में इनको उम्मीद थी नहीं कि इतना ये लोग उलझ जाएंगे, इनकी निर्भरता चाइना पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और बिल्कुल चाइना के पास ओपन अपॉर्चुनिटी है आज के समय। ओपन अपॉर्चुनिटी को ये लोग लेते या नहीं लेते हैं वो अलग चीज़ है, बट क्लियर हम देख रहे हैं कि अब ताइवान के जो प्रेसिडेंट है वो भी चाइना को मॉक कर रहे हैं, सी जिनपिंग को मॉक कर रहे हैं कि देखो ताइवान को कब जाना, ये बहुत आसान है। तो ताइवान
ताइवान को कब्जा ना ताइवान को कब्जा करने में 10 प्रॉब्लम्स आएंगी, यूएस बीच में आ जाएगा, कई बाकी कंट्रीज़ बीच में आ जाएंगी, ताइवान को कब्जा ना भी ट्रिकी है, और घूम फिर के ताइवान है क्या एक टापू, मगर व्लादिवोस्तोक जो लिटरली चाइनीज़ मेन लैंड है, एसोसिएटेड है, जिसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हिस्ट्री है, चाइनीज़ लोगों को मारा गया था इनके हिसाब से रशियन द्वारा, वो हम वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये जो सवाल है ना, ये रेज होता रहेगा और आने वाले कुछ सालों में, अभी इसको लेकर डेवलपमेंट्स फास्ट नहीं आएंगी, टाइम लगेगा। अगर कुछ सालों में मान लो रसिया इसी तरीके से उलझा रहता है यूक्रेन में, सरप्राइज़ नहीं होगा कि अगर चाइनीज़ चुपचाप कहता है रसिया तुम्हारी गलती है, तुम कमज़ोर हो, इसका फ़ायदा उठाए गए, हम अपने हिस्टोरिकल लैंड्स वापस ले रहे हैं। इतिहास में ये कई बार हो चुका है, सरप्राइज़ मत होइएगा अगर फिर से होता है तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल, ये वीडियो समझ में आ गया होगा।